जय श्री श्याम दोस्तों, मेरा नाम है निशांत रोहिला और आप देख रहे हैं एंड व्हील्स। तो दोस्तों, काफी टाइम से ना मार्केट के अंदर बात चली हुई है फ्लेक्स फ्यूल कार के बारे में, जो टोयोटा की तरफ से आने वाली है, सबको पता है। काफी लंबे समय से बात चल रही है। तो फाइनली दोस्तों, टोयोटा ने रिवील कर दिया है कि हाँ, हम एक फ्लेक्स फ्यूल कार लेके आने वाले हैं, और कौन सी गाड़ी लेके आने वाले हैं वो भी कंपनी ने बता दिया है। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कौन सी गाड़ी के अंदर आपको फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी मिलेगी। वो मिलेगी आपको टोयोटा की जो करोला एल्टिस आती थी ना, उसके अंदर। अब टोयोटा की जो करोला एल्टिस है वो आपको हाइब्रिड प्लस फ्लेक्स फ्यूल के साथ आपको मिलेगी, ठीक है। अब फ्लेक्स फ्यूल क्या होता क्या है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। फ्लेक्स फ्यूल मिश्रण होता है दो फ्यूल्स का। अब फ्लेक्स फ्यूल की जो गाड़ी है वो पेट्रोल और इथेनॉल दोनों के ऊपर चला करेगी, ठीक है। जब मतलब आपको चाहिए तो आप पेट्रोल पे चला लीजिए, या आपको चाहिए तो आप इथेनॉल पे चला जाइए, या उनके ब्लेंड पे भी आप चला सकते हैं। तो ये तो एक जानकारी है। अब जो टोयोटा की करोला एल्टिस हाइब्रिड है दोस्तों, वो 1.8 लीटर इंजन के साथ आपको मिलेगी इंडिया के अंदर, ठीक है। जिसको पेट्रोल हाइब्रिड इंजन आप बोल सकते हो आसान भाषा में, ठीक है। मतलब पेट्रोल हाइब्रिड इंजन बोल सकते हो, जो कि इथेनॉल पे भी चलेगा। अब इसके बारे में और जानकारी मैं आपको दूं तो दोस्तों, जो इसका इंजन है 1.8 लीटर का, ये फ्लेक्स फ्यूल पे तो पावर्ड होगा ही, साथ ही साथ इसको बैटरी भी पावर करा करेगी, जिसकी वजह से इसको हाइब्रिड भी हम बोल सकते हैं। साथ ही साथ में जो इस गाड़ी का फायदा क्या होगा, एक तो ये हमारी नेचर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। ये कार्बन जो है, कार्बन एमिशंस को बहुत ज्यादा घटा देगी, मतलब बहुत ज्यादा निचले लेवल तक कम कर देगी। आने वाले मतलब फ्यूचर में या तो जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का टाइम आने वाला है, या हाइब्रिड करके गाड़ियां आएंगी। मतलब कुल मिला के ये है कि जो पेट्रोल या जो डीजल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो गाड़ियों की मांग, मतलब आगने वाले समय में गाड़ियों की डिमांड भी कम हो जाएगी। या तो फ्लेक्स फ्यूल चाहिएगी, मतलब चला करेंगी, या फिर इलेक्ट्रिक चला करेंगी। अब इंडियन गवर्नमेंट ने दोस्तों पहले ही फ्लेक्स फ्यूल जो है उसके ऊपर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। अब जैसे पेट्रोल में ग्रेड्स होते हैं, किसी आप जैसे पेट्रोल पंप पे जाते होगे, नॉर्मल पेट्रोल, एक्स्ट्रा पेट्रोल, प्रीमियम पेट्रोल, फलाना ढिमकाना, मतलब 10 तरह की चीजें आती हैं। ऐसे ही इथेनॉल में भी आपको मिलेगा। इथेनॉल में क्या होगा दोस्तों, आपको E95, E90 और E85 डिपेंडिंग है, ये मतलब पेट्रोल इथेनॉल की रेशियो के ऊपर जो भी इनको नाम दिया जाएगा, E95, E90, E85 इनके नाम होंगे, इनकी ब्लेंडिंग के ऊपर जो है ना, रेशियो के ऊपर वो डिपेंड होगा। अब दोस्तों, ये जो गाड़ी है ये पहली अपनी इंडिया की ऐसी गाड़ी होगी जो फ्लेक्स फ्यूल पे काम करेगी। और ये जो गाड़ी है, ये जो मैन्युफैक्चर कर रहा है इसको, SIAM मैन्युफैक्चर कर रहा है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, ठीक है। ये टोयोटा की तरफ से आती है, टोयोटा ही इसको बना रहा है, ठीक है। ये एक सोसाइटी का नाम है, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी फ्लेक्स फ्यूल पे चलने वाली गाड़ी यार, ये इंडिया के लिए पहली होगी। मुझे यहां जहां तक मेरे को लग रहा है ना, अगर ये गाड़ी कामयाब हो जाती है ना इंडिया में, तो यार काफी हेल्प मिल जाएगी इंडिया के लोगों को, ठीक है। और लेकिन देखना ये होगा यार कि फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी आ तो रही है, लेकिन यार इसकी कीमत इतनी ना हो जाए कि आम लोगों की जेब से बाहर हो जाए। लेकिन अगर देखो, एक छोटा सा एग्जांपल भी है मैं आपको लूं, अगर करोला एल्टिस किसी को लेनी हो आज के समय में, अगर वो आ रही हो, तो भाई वो नॉर्मल लोगों की जेब से तो बाहर है, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली का बंदा उसको नहीं ले सकता। और अगर ये इस तरह की फ्लेक्स फ्यूल के साथ आएगी, तो भाई ऑब्वियसली महंगी आने वाली है। तो ये देखना होगा यार कि नॉर्मल लोगों की जेब तक ये कब पहुंचती है, तभी इसका मजा हम ले पाएंगे यार, सीधी सी बात की है। तो बस दोस्तों, ये एक छोटी सी न्यूज थी, मैंने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।